में 10 किलो वेट कम कर लेंगे अपना, तो मेरे पेटू पेटू सब वेट कम हो जाएगा। फ्रेंड राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं कर रही हूँ आज अपने लड्डू गोपाल जी का मेकओवर राधा रानी के रूप में, और इनको राधा रानी के रूप में सजाऊंगी क्योंकि राधा अष्टमी आ रही है, तो मेरे पास राधा रानी की सेवा नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरे पास राधा रानी की सेवा नहीं है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी के रूप में रखूंगी और इनका श्रृंगार पूरा राधा रानी की तरह करूंगी। और अभी मैं उनका मेकअप कर रही हूँ राधा रानी की तरह, तो मेरा मेकअप देखिए, मैं खुद ही करती हूँ अपने लड्डू का मेकअप भी, और अब मैं उनको राधा रानी बनाऊँगी तो उनका राधा रानी स्वरूप में भी मेकअप मैं खुद कर रही हूँ। तो आप देखिए कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी फ़िलहाल कैसे लग रहे हैं और फिर बाद में कैसे लगेंगे वो देखिए। देखिए ये है मेरे लड्डू गोपाल जी बिना मेकअप के, और जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बिना मेकअप के भी। और मैंने इनका मेकअप पहले ही रिमूव कर दिया था, साफ़ कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मुझे दोबारा इनका मेकअप करना है राधा रानी स्वरूप में, इसलिए मैंने वो मेकअप हटा दिया। और जब भी मैं इनका मेकअप करती हूँ ना, तो मन में एक भाव ज़रूर रखती हूँ कि लड्डू कुछ देर के लिए, जब तक मैं आपका मेकअप पूरा करूँ, आप बाहर खेल लो। तो इस भाव को मन में रख के और तब मैं इनका मेकअप शुरू करती हूँ, ताकि मेरे हाथों से कभी कोई कष्ट ना हो। और मुझे ना व्रत का पता नहीं है कि राधाष्टमी का व्रत कैसे और कब करना था, तो मैंने वृंदावन की वीडियो देखी थी। वृंदावन और बरसाने में सप्तमी को व्रत करके और अष्टमी को व्रत खोलेंगे। तो मेरे पास लड्डू गोपाल जी पिछले साल ही आए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इस बार सोचा है कि अपने राधा अष्टमी पे राधा रानी का व्रत भी मैं करूं। तो ये व्रत मेरा पहली बार ही होगा, तो मैं भी सप्तमी के दिन व्रत करके और अष्टमी को ही सुबह जब इनका अभिषेक करूंगी तभी अपना व्रत खोलूंगी। तो बहुत खुशी हो रही है जब मैं इनका व्रत करूंगी, तो इनकी जितनी भी तैयारियां कर रही हूं वो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो देखिए अभी ये मैंने इनका मेकअप लगभग पूरा कर लिया है, और जब मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये कैसे लग रहे हैं। और देखिए मैंने अपने लड्डू जी का मेकअप पूरा कर लिया है और राधा रानी स्वरूप में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरे कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर और कितने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं राधा रानी के रूप में। तो देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि नज़दीक से दिखाती हूँ कैमरा ले जाके कि ये कैसे लग रहे हैं। और अब ये है इनका फाइनल लुक। तो लड्डू गोपाल जी का राधा रानी स्वरूप में मैंने मेकअप कर दिया है, और जब मैं इनका राधा रानी स्वरूप में इनका श्रृंगार करूंगी, इनको लहंगा पहनाकर, चुनरी और बालों का जो भी होगा, जो चीज़ें मैंने बनाई वो सब इनको पहनाऊंगी, तो ये और भी बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लग रहे हैं, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तब मैंने इनका मेकअप किया है, और अभी बच्चे और धर्मश्री बस अभी उठे ही हैं, तो मैंने उनके साथ भी थोड़ी मस्ती की है, तो वो वीडियो भी मैंने शूट की। तो और धर्मश्री अभी उठे हैं और ये कह रहे हैं कि रेनू तू मेरा ख्याल रखा कर, तो अब मैं इनको नींबू और शहद वाला तो पानी देऊंगी सुबह सुबह, और जिम ज्वाइन हो चुकी है इनकी, तो देखते हैं अब ये कितने दिनों में अपने शरीर को फिट करते हैं। वैसे पहले ये जिम ट्रेनर थे, लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने जिम छोड़ दी, तो सारा ब्लेम भी मेरे ऊपर आ जाता है है ना जी, आता है ना मेरे ऊपर आता है। पहले ये पानी पियो, अभी एक महीने में कितना कम कर लोगे है 10 किलो कर लोगे कम पक्का? तो भाई ये कह रहे हैं कि एक महीने में 10 किलो वेट कम कर लेंगे अपना, तो मेरे पेटू पेटू का पेट कम हो जाएगा तो देखती हूँ एक महीने में कितना कम करते हैं। अभी 90 किलो है ना, तो एक महीने में फिर 80 किलो मैं देखूंगी, और पक्का सच में ही बताऊंगी कि कितना कम किया इन्होंने एक महीने में वेट, तो 80 किलो पे आ जाएंगे, फिर दिखाऊंगी आपको इनका भी वेट, मतलब नाप के दिखाऊंगे अपने सामने कितना हुआ कितना नहीं है। अभी 90 किलो बता रहे हैं, ये फोटो क्लिक किया था दिखाओ, वैसे पहले से तो कम हो गया जी, पहले 90 से तो ज़्यादा था ना, दिखाना। हाँ सही में 90 ही है देखो,
हाँ 90 किलो है इनका वेट। इन्होंने फोटो क्लिक किया है और अभी एक महीने में दिखाऊंगी फिर कितना कम करेंगे। तो मैं इनको नींबू और शहद डेली दूंगी पानी में डाल के। थोड़े से गर्म पानी में नींबू और शहद देने से ना थोड़ा शरीर फिट होता है, तो वो भी दूंगी। और जिम इनकी चालू हो ही गई है, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट मिलता है एक महीने के अंदर। है याशी, चाहती है ना पापा फिट हो जाए? नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि फिट हो जाए। नहीं बेटा, बीमारी बन जाएगी बहुत ज़्यादा, बन जाएगी, बन जाती है बेटो, बीमारियाँ बनती है मोटापे से। तू खुद क्यों नहीं होती फिर मोटी, तू भी हो जा। खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फिर क्या खाना अच्छा लगता है? मैगी, मैगी खिला दो। अभी पढ़ लो आप, ठीक है? धर्मशी कह रहे हैं कि एक महीने में ये अपना वेट 10 किलो कम कर लेंगे तो 80 किलो हो जाएगा। फिर मैं दिखाऊंगी आपको, फ़ोटो क्लिक करके ले आएंगे, वहाँ से जिम गए थे तो वहीं से फ़ोटो क्लिक किया था। तो अब एक महीने बाद इनका वेट फिर चेक कराऊंगी। आज कितनी तारीख हो गई? जिम कब से ज्वाइन करी? 3-4 दिन हो गए ना, कल से 20 तारीख से ना, तो 20 सितंबर को की है। और फिर अगली 20 को मैं दिखाऊंगी कि इनका वेट कितना है, तो मैं भी याद रखूंगी। और आप भी कमेंट करके बता देना कि मुझे याद रह जाए। तो अभी मैं बाकी और काम करती हूँ। पापा कर देंगे 10 किलो? कर देंगे, देखती हूँ। क्यों कह रहे हैं कर देंगे 10 किलो वेट कम, देखती हूँ कितना कम होगा।